20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। व्हाट्सएप यूज करते हो और व्हाट्सएप वेब को परमानेंट लॉगिन कैसे रखना है नहीं आता? नहीं क्या गुंडा बनेगा रे तू? कोई बात नहीं, आपका भाई आप लोगों को बताएगा व्हाट्सएप वेब कैसे यूज करना है और इसे परमानेंट लॉगिन बिना स्कैन किए कैसे रखना है। लेकिन एक शर्त है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं करना सब्सक्राइब? कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका और मेरा हार्ट कनेक्शन है तो इसमें स्कैनिंग की क्या जरूरत। क्योंकि भाई ये व्हाट्सएप वेब की ट्रिक है ना, ये बातें बताई नहीं जाती, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो भाई दबा देना। तो देखो यार, आप तो व्हाट्सएप वेब यूज करना तो जानते ही होगे, लेकिन इसे परमानेंट लॉगिन कैसे रखना है, बिना स्कैन किए लॉगिन कैसे रखना है, ये 99.90% लोग नहीं जानते। तो गाइस यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार वो हम कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा WhatsApp ऐप लॉग आउट हो जाता है? क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद सर्च करते हैं WhatsApp ऐप, देन वहाँ पर जो हमें QR कोड मिलता है वो QR कोड हमें ऐसे ही नहीं मिलता, हमें उसे डेस्कटॉप साइड में ओपन करना पड़ता है, तब जो है हमें वो QR कोड अवेलेबल मिलता है। हम वहाँ पर स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करने के बाद क्या हो जाता है भाई, वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है कुछ समय बाद। तो इसे परमानेंट लॉग इन कैसे रखना है, आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करना है, आपको किसी ब्राउजर में व्हाट्सएप वेब सर्च करके उसे लॉगिन नहीं रखना है, आपको डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन। गेस कौन सा वो एप्लीकेशन है जिसमें आप परमानेंट लॉगिन रख सकते हो? तो यार सबसे पहले आपको अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है और अपना जो है प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेना है। देन आपने प्ले स्टोर ओपन कर लिया तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आया, वेब स्कैनर ऐप QR कोड स्कैनर बीटा वर्जन, मैं इसका बीटा वर्जन यूज़ करता हूँ, है ना गाइस, इतना क्लियर हो गया। अभी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना, आपने नाम देख लिया, सेम नाम सर्च करो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको ये लिंक दे दूंगा। गाइज इसे जो है मैंने रेट भी दिया है, रेटिंग भी करा है, क्योंकि भाई ये जो एप्लीकेशन मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें जो है मुझे परमानेंट लॉगिन मिल रहा है। गाइज यही एप्लीकेशन नहीं, आप प्ले स्टोर से भाई कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या आप सर्च बार पर टाइप कर दो व्हाट्सएप वेब तो आपको यहाँ पर तरह तरह के एप्लीकेशन मिलते हैं, आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन भाई मैंने इतने एप्लीकेशन को यूज़ करके तो नहीं देखा, तो मैं गारंटी कैसे लूँ कि ये जो है परमानेंट लॉगिन वाली है? देख सकते हो गाइज मैंने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसे गाइज ये एप्लीकेशन के बारे में आप लोग क्यों बता रहा हूँ भाई, इस एप्लीकेशन वाले मुझे किस तरह कोई पैसा नहीं दिया है, फिर किस तरह की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आप परमानेंट लॉगिन कैसे रख सकते हो। आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ऐसा नहीं कि इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, इन एप्लीकेशन वालों ने मुझे किसी तरह का पैसा दिया, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, आप अपने हिसाब से भी जो है इंस्टॉल कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया गाइज? तो देखो भाई आपको 14 दिनों का टाइम पीरियड मिलता है, अगर 14 दिनों के अंदर आपने जो व्हाट्सएप वेब स्कैन कर रखा आप एक भी बार उसे ओपन नहीं करते 13 से 14 दिनों के अंदर, तो भाई व्हाट्सएप जो है इसे ऑफिशियली लॉकआउट कर देगा और भाई आपका व्हाट्सएप हो जाएगा खत्म। तो मैं इसे जो है ओपन कर लेता हूँ, तो हम इसे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, देन आपको यहाँ पर व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है ना भाई, आपका जो QR कोड होता है व्हाट्सअप होता है तो यहाँ पर लोड होता रहा होते रहता है। अब परमानेंट लॉगिन कैसे रखना है, मतलब बिना स्कैन किए लॉगिन कैसे रखना है, अब देखिए ध्यान से गाइज, आपको यहाँ पर ऊपर में रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर, ये गोल राउंड दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया आपको बिना स्कैन किए आपका जो व्हाट्सअप है ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा करिए। और भाई आप इसे रिसेंटली आपसे इस तरह से हटा भी दोगे तब भी जो है ये लॉगआउट नहीं होगा, आपका डिवाइस भाई कौन सा भी रहे, तगड़ा वाला फोन रहे या फिर सस्ता 4000 का फोन रहे, आपको लॉग आउट नहीं होने वाला है, परमानेंट लॉगिन रहने वाला है। कुछ कुछ डिवाइसेस में क्या होता था, हम जो है QR कोड आने के बाद इस तरह से इसे रिसेंटली आपसे हटा देते थे तो भाई ये जो है लॉग आउट हो जाता था और हमारा हो गया। तो गाइस यही जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी है। भाई मेरे इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।